नई दिल्ली के सीधे निशाने पर है बीजिंग। पाकिस्तान नहीं, चीन है दुश्मन नंबर वन। भारतीय मिसाइलों की रेंज में है बीजिंग। अब चीन के लिए बन रहे एटम बम, विमान, मिसाइल, पनडुब्बी से एक साथ हमले की ताकत। चीन अब संभल जाए, भारत के निशाने पर अब पाकिस्तान नहीं, सीधा चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग भारत की न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज में आ चुकी है। चीन के लिए खतरा बस इतना ही नहीं है, चीन पर अब भारत एक साथ जमीन से, हवा से और समंदर के भीतर से भी परमाणु हमला करने की ताकत रखता है। ये चेतावनी उस वक्त आई है जब लद्दाख में चीन पीछे हटने से इनकार कर रहा है, लेकिन ये चेतावनी भारत की ओर से नहीं आई है। ये चेतावनी सामरिक मामलों के दो बड़े जानकारों की स्टडी से सामने आई है। ये हैं हांस एम क्रिस्टेंसन और मैट कोर्डा। हांस जहां वॉशिंगटन डीसी में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के साथ न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, वहीं कोर्डा इसी प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट हैं। स्टडी में दावा किया गया है कि भारत की परमाणु रणनीति पाकिस्तान से चीन की ओर शिफ्ट हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की परमाणु रणनीति में बदलाव पिछले 2-3 महीनों की बात नहीं है। 2017 में डोकलाम में भारत चीन के बीच तनातनी के बाद ही भारत ने चीन को अपने निशाने पर ले लिया था। उससे पहले पाकिस्तान ही भारत के टारगेट पर था, लेकिन अब पूरा जोर चीन की तरफ है। अमेरिकी जानकार इस नतीजे पर भारत की परमाणु ताकत का विश्लेषण करने के बाद पहुंचे। आप इकोनॉमिक पावर की बात कीजिए, आप मिलिट्री पावर की बात कीजिए, एयरफोर्स नेवी की पावर की बात कीजिए, तो चीन पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो जब हम जानते हैं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर वन है, तो हमको ये जाहिर सी बात है कि हमारी दृष्टि चीन के तरफ होनी चाहिए, एनिमी नंबर वन की तरफ, एनिमी नंबर टू के तरफ नहीं। नवंबर 2018 में स्वदेशी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने अपनी पहली डिटरेंस पेट्रोल यानी दुश्मन को आगाह करने वाली गश्त को पूरा किया था। जिस दिन पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया, उसी दिन भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता आ गई थी। न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन से लॉन्च मिसाइल से परमाणु हमला, परमाणु बम से लैस विमान से परमाणु हमला और पनडुब्बी में लगी मिसाइल से परमाणु हमला। हिंदुस्तान ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप कर लिया है। वो ट्रायड ट्रायल तीनों सिस्टम पे है, लैंड बेस्ड है, एयर बेस्ड है और सी बेस्ड है। ये मैं कहना चाहूँगा कि एयरक्राफ्ट सिस्टम काफ़ी ठीक हैं, लैंड बेस्ड सिस्टम भी उससे ज़्यादा हैं और सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी जो हैं सिस्टम, वो भी इन प्लेस हैं। स्टडी का अनुमान है कि भारत के पास आज की तारीख में परमाणु क्षमता से लैस 8 सिस्टम मौजूद हैं। इनमें 2 विमान वाले, 4 जमीन से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के और 2 समंदर में तैनात बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैं। कम से कम 3 और सिस्टम जल्द ही युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। इस वजह से बीजिंग अब भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर है। जमीनी मोर्चे पर भारत ने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का प्री इंडक्शन फ्लाइट टेस्ट पूरा कर लिया है। ये 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है। इतनी ज्यादा रेंज का फायदा ये होगा कि अब भारत इस मिसाइल को चीन की सीमा से दूर दक्षिण भारत के किसी और ठिकाने पर तैनात कर सकेगा। इसके बाद भारत नेक्स्ट जनरेशन की ICBM अग्नि 6 को तैयार करने में जुटा है। इनके साथ ही भारत न्यूक्लियर ट्रायड के तहत समंदर से मिसाइल लॉन्च करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। भारत की पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल K4 को उत्पादन के लिए तैयार माना जाता है। ये 6 टेस्ट लॉन्च पूरे कर चुकी है। लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ K4 बंगाल की उत्तरी खाड़ी से पूरे पाकिस्तान और चीन के अधिकतर हिस्सों को निशाना बना सकता है। वहीं DRDO समंदर से लॉन्च की जाने वाली 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल तैयार कर रहा है। स्टडी के मुताबिक डोकलाम विवाद के बाद ही भारत ने न केवल चीन को
अपने परमाणु रेंज के निशाने पर लिया, बल्कि इसके लिए 10 साल की समय सीमा भी तय की थी। लेकिन सामरिक मामलों के जानकारों ने चीन को सावधान कर दिया है कि इस वक्त भी बीजिंग भारत की मिसाइल रेंज में है।